it the voice? Was it the fire? तो फाइनली गाइस सुबह सुबह भाई अपनी पैकिंग हो चुकी है और पैकिंग बहुत ही भाई सिंपल सी थी, सिंपल एंड सोबर सा बोलते हैं। दो कैरी बैग है यहाँ पे, मैप भी लगा लिया। मैप कहाँ पे लगाया गाइस, आपको बोला था कि हम जल्दी भाई लॉन्ग राइड पर निकलने वाले। तो फाइनली गाइस यहाँ पे हम रेडी है, बेताल रेडी है एक अच्छे से लॉन्ग राइड करने के लिए। और टाइम की बात करें तो भाई टाइम जस्ट हो रहा गाइस अपना 4:43। इस लॉन्ग राइड पर हमारे साथ तो वैसे हम सोलो जाने वाले थे, बट हमारे साथ जुड़ चुके भाई यहाँ पे हिमांशु भाई। कैसे ब्रो? तो भाई हिमांशु भाई जा रहे हैं और विशाल भाई तो पहले भी जा चुके हैं आगरा। और स्कूटी भाई विशाल भाई की है एक्सेस 125 जो कि न्यू वाली है। तो भाई यहाँ पे दो स्कूटी अपनी बेताल एंड बाइक जा रही है एक्सेस। और हम टोटल भाई तीन राइडर है, मेरे साथ चलेगा हिमांशु भाई पिलियन में और यहाँ पे विशाल भाई चलेंगे अकेले। चलो भाई आपको ज़्यादा सरप्राइज ना रखते हो भाई, बताते कि राइड अपनी कहाँ की होने वाली जो कि लॉन्ग राइड आपको बोला था। तो चलो हिमांशु भाई से पूछते हैं कहाँ जा रहे ब्रो हम। तो फाइनली गाइस भाई हम जा रहे हैं गाइस, हमने मैप लगा लिया यहाँ पे दिल्ली टू वृंदावन का, जो कि 150 किलोमीटर है और 2.5 से 3 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। राइड को स्टार्ट करते हैं एंड स्कूटी को भी स्टार्ट करते हैं, हर हर महादेव। तो अब निकलेंगे भाई, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो भाई। सुबह सुबह देख रहे हो भाई 4:00 हो रहा और रोड पे गाइस गाड़ी का नामो निशान नहीं है, सिर्फ ट्रक आपको दिखेंगे। तो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। और सामान गाइस हमने तो ज़्यादा कैरी नहीं किया, आपको मैं बता दूं पहले सामान हम पे ज़्यादा नहीं है। एक नॉर्मल बैग है, इसके अंदर एक दो सेट कपड़े हैं। जो अपना राइड होने वाला है 2 दिन का, हमने टोटल राइड प्लान किया है जो कि अपना दिल्ली टू वृंदावन का रहेगा। हम 2 दिन का राइड है यहाँ से, जस्ट हम लोग आज मान लो 4 घंटा मैक्स टू मैक्स 4 से 3.5 घंटे में हम पहुँच जाएंगे। देन गाइज उसके बाद हमने भाई वहाँ पे स्टे लेना है, स्टे लेने के बाद भाई रात भर आराम से गाइज वृंदावन में ही रुकेंगे। मेरा मानना तो भाई जो असली राइड का मजा है ना भाई, वो आपको मिलेगा अंधेरे में, जब अर्ली मॉर्निंग आप लोग निकलोगे 4-5 बजे और चलते चलते जब धीरे धीरे भाई सनराइज होता है ना, ओ माई गॉड, तो क्या खतरनाक व्यू। और आपका जो पूरा माइंड होता है गाइस रिफ्रेशिंग होता है, इसलिए भाई हमने डिसाइड किया था कि भाई हम 4 बजे दिल्ली को छोड़ देंगे और दिल्ली से निकल जाएंगे। बट कोई नहीं गाइस, वो लगभग 4:30 हो गया, तो इससे भी कोई मैटर नहीं करता। 4:30 बजे बहुत अच्छी टाइम से हम निकले। और रूट की बात करें तो जो हमने रूट लिया है वो हम लेने वाले भाई फरीदाबाद होते हुए पलवल होते हुए देन गाइस वृंदावन। दूसरे रूट की बात करें तो भाई अपना था यमुना एक्सप्रेस वे, बट यमुना एक्सप्रेस वहाँ पे क्या है कि भाई पूरा रोड गाइस पूरा का पूरा खाली है और कहीं ना कहीं भाई बोर आते हैं। एक बार जा रखो आगरा, उस वाले रूट को हमने अवॉइड किया जाने से क्योंकि उतना मजा नहीं आएगा। और इस रूट से आएंगे ना ओल्ड मथुरा वाले से, तो भाई रोड भी काफी अच्छी कंडीशन में है ना। यमुना एक्सप्रेस वे तो चलाने को अच्छा है, बट वही है भाई बहुत ज्यादा गाइस ना वहाँ पे आप बोर हो जाओगे। बिल्कुल सीधी रोड है, सीधी रोड है। तो हम आप लोगों ने गाइस लाए इंटरेस्टिंग रोड और वाटर क्रॉसिंग, ये चेक करो भाई। और यहाँ पे भाई की भाई जो एक्सेस है वो गुजारा गड्ढे में एक्सेस है ना भाई, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ इसने चलाया है भाई यहाँ पे 200 कुछ किलोमीटर, मुझे बता रहा था बहुत कम किलोमीटर इसने चलाया है यहाँ पे। देखो पुलिस वाले रात को ना भाई ट्रक की चेकिंग होती है जो कि पेट्रोलिंग वाले होते हैं ना, और होना भी चाहिए। तो आपको एग्जैक्ट मैं बताता हूँ कि अपना लोकेशन कितना बता रहा है यहाँ से भाई, दिखा रहा है 143 किलोमीटर। तो आप मान लो 150 किलोमीटर गाइस अपना यहाँ से लोकेशन दूर है और टाइम लगेगा 2.5 घंटे। यहाँ पर भी छोटा सा स्कैम हो चुका था भाई कि हम ट्रिप ए को घर से जब निकले तो भाई जीरो करना भूल चुके थे और भाई ने लेकिन कर लिया था। इनका हो चुका है अभी तो गाइस लगभग मान लो 8 से 10 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। क्या चीज़ भाई, इसको टोपी अपनी वाली दे दी है, सॉरी हेलमेट देखो ब्लू का ब्लू कैसा ही लग रही है। और अभी गाइस हम कनाट प्लेस से होते हुए निकल ले और अपने को सबसे पहले अभी काम करवाना भाई फ्यूल अप, क्योंकि रिजर्व में चल चुकी है भाई, इतना बता दूंगा ना आप लोग शौक हो जाओगे। बस गाइस आपको 5 बजे का व्यू दिखाऊंगा भाई, आपको इंडिया गेट का गाइस, क्योंकि जो हमारा मैप दिखा रहा है एग्जैक्ट गाइस इंडिया गेट के पास से होते जाएंगे। तो बहुत ही प्यारा व्यू आपको मिलने वाला मॉर्निंग में। और गुरुद्वारा बंगला साहिब, वाहेगुरु गाइस। देखो मैं बोला था उस साइड है लेकिन भाई किस्मत देख रहे हो गाइस, बंगला साहिब से भाई होते हुए जा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत गाइस। देखो 5 बजने वाले, एग्जैक्ट 5 बजे और 5 बजे का व्यू आपको देख रहा हूँ गुरुद्वारा बंगला साहिब का। तो भाई गुरु बस अच्छे से आए, अच्छे से आए। लोग इंडिया गेट वाले साइड से गुजर रहे हैं, जस्ट यहाँ पे इंडिया गेट है इस साइड, आपको दिखे तो दिखाऊंगा भाई। जो पूरा सुबह का रोड खाली है भाई, 5:04 हो रहा है और रोड चेक करो भाई, रोड पर कोई भी नहीं है, ना पीछे है ना आगे है,
जस्ट गाइज हम चल रहे हैं बेताल के साथ और हमारे साथ एक राइडर चल रहा है एक्सेस 125 के साथ। आपको भाई व्यू दिखाऊंगा इंडिया गेट का, देखो अभी तो मुझे खुद नहीं दिखा है, आगे से मे भी दिखेगा, दिखेगा ना तो दिखाऊंगा भाई। बहुत ही प्यारा व्यू दिखने वाला है और मेरे हिसाब से मैं भी काफ़ी दिनों बाद देख रहा हूँ ना भाई, तो इस टाइम पर निकलने का भाई वृंदावन निकलने का गाइज मस्त टाइम है, बिल्कुल सुबह सुबह निकल जाएगा करो भाई, मज़ा आएगा घूमने को। तो देखो आप एक दिन में आराम से सुबह निकलोगे ना अर्ली मॉर्निंग तो शाम तक वापस आ सकते हो दिल्ली, बट हम लोग आराम से जाएंगे एक दिन स्टे करेंगे वृंदावन में और अगले दिन आराम से सुबह या फिर दोपहर तक आएंगे। जब भाई हम जा रहे तो आराम से भाई अपना टाइम स्पेंड करके आएंगे, जितने भी भाई दर्शन होते सबके दर्शन करेंगे आराम से, फुल गाइज मस्ती करते हुए चलेंगे और आप लोग भाई पूरा व्लॉग का भाई इंजॉय मिलेगा। अभी तो भाई प्यारा सा व्यू देना इंडिया गेट, मुझे खुद नहीं दिखा भाई है कहाँ पे, ये देख रहे हो शिप भाई साहब का गाइज ना फील ही अलग है भाई। एक तो ठंड लग रहा है सुबह 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 गाइज, देखो मैंने वाइजर हटा लिया ना भाई, इतना बड़ा वाला ठंड भाई इंडिया गेट की साइड, और जो भाई फील आ रहा है इतना रिफ्रेशिंग है, इतना रिफ्रेशिंग है कि पूछो मत गाइज। हो रहा है इंडिया गेट देखो वहाँ से दिखा, बट लाइटिंग भाई बंद है। 60 किलोमीटर चलने वाले रिजर्व में और अपने को मिला पेट्रोल पम्प हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, यहाँ से करवाते हैं फुल टैंक, फिर भाई कोई दिक्कत नहीं रहेगा पूरे वृंदावन तक का, आराम से पहुँच जाएंगे। और फुल टैंक मेरे हिसाब से भाई पूरा खाली हो चुका है ना, तो कम से कम मान लो भाई 500 के आसपास ही होगा। चलो विशाल फुल टैंक करा ले, क्या करा ले, फुल टैंक करा लेता ना, फुल टैंक कर दो, देखते भाई कितना तेल लेती है, क्योंकि रिजर्व में भाई 60 किलोमीटर चल चुका है, मतलब पूरा खाली होगा टंकी और फ्लो हो गया। देखा रहने दो ठीक है। तो गाइस यहाँ पे 524 रुपये इसके अंदर भाई हो चुका है ओवरफ्लो तगड़ा वाला, 5.42 लीटर पेट्रोल आया जिसका भाई कॉस्ट पड़ा अपने को 524 रुपये, क्योंकि भाई रिजर्व में भाई 60 किलोमीटर चल चुकी है तो मेरे को पता था कि भाई 500 प्लस ही जाएगा पेट्रोल, और यहाँ पे ओवरफ्लो भी हो गया, आपको दिखाता हूँ। देखो अंकल जी को मैंने बोला था ओवरफ्लो मत करना, बट ये चेक करो भाई पेट्रोल गिर ही आता कहीं ना कहीं। चलो गाइस निकलता है भाई, फिलअप हो चुका है और भाई पानी वानी हमने भर लिया, क्योंकि हम घर से बोतल तो लाया था लेकिन पानी नहीं था, और लेट्स गो गाइस, देखते भाई फुल टैंक हुआ नहीं हुआ। फील आता है फुल टैंक देखने का, मज़ा ही अलग है। देखो भाई फुल टैंक का कोई दिक्कत नहीं है भाई आराम से। और मैंने किया था भाई ट्रिप को कनाट प्लेस में 7, तो इसमें मान लो जितना भी गाइस ट्रिप में दिखा रहा होगा ना, इससे मान लो 10 किलोमीटर आप प्लस ही कर लेना, तो 7 चला मतलब कि हम 17 से 18 किलोमीटर दिल्ली से दूर आ गया। लेट्स गो, चले विशाल भाई रेडी हो भाई? ब्रांड न्यू एक्सेस ले आया कसम से, इसकी फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है इसलिए थोड़ा स्लो चल रहे, वरना तो गाइज आराम से भाई काफ़ी जल्दी पहुँचते। विशाल भाई हमें यू टर्न लेना है। अरे हाँ वही कौन बताएगा भाई, गाइज हमने लेना था यू टर्न, वही सोच रहा मैं उल्टा क्यों दिखा रहा है, यहीं से ले लेते हैं ना। हाँ ये आगे एक वो है गोल चक्कर है पूरा, हाँ गोल चक्कर है पास में ही है, चलो भाई आगे गोल चक्कर आगे से लेते हैं, वही मैं देख रहा हूँ मैं उल्टा क्यों दिखा रहा है, क्योंकि पेट्रोल पंप ना गाइस अपोजिट साइड था और हमारी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा चल चुकी थी, तो हमने भाई क्रॉस करके हमने पेट्रोल फिलअप करवाया था, बस यही रहा ये वाला अपने को यहाँ से गोल चक्कर लेना है। आ चुके भाई सही रोड पे, ये जाएगा सीधा अपना बदरपुर होते हुए पलवल की साइड, लेट्स गो गाइस। हमने हिट कर दिया भाई 15 किलोमीटर, सामने बोर्ड चक्कर है फरीदाबाद मथुरा आगरा, सारा का सारा बिल्कुल सीधा है, अभी विशाल भाई गड्ढा वड्ढा देखे नहीं थे, बीच बीच में ना ऐसा गड्ढा वड्ढा आता रहेगा तो पूरा एक्टिव होके चल पूरा। हाँ रोड अभी सही चल रहा है, कभी भी रोड खराब हो सकता है, दाया बाया कोई भी कहीं भी घुसा देगा, फुल एक्टिव होके चल। नहीं सब ठीक है, एक्टिव रहना पड़ेगा, बस एक्टिव रहियो। सराय पहुंचे हैं, अगर हम जाते भाई यमुना एक्सप्रेस वे तो गाइज वहाँ पे क्या था कि अभी अपना स्पीड देखो कितना कम है, और वहाँ पे जाते ना भाई इतना ज़्यादा स्लो लगता है ना अपने को, प्लस टोल पे करो और बोर हो जाते हैं मेनली, इसलिए हमने वो वाला रूट अवॉइड किया है। ये वाला रोड काफ़ी बिजी है और अपने को ना मज़ा आएगा इधर, तो ये अपना पहला टोल मेरे हिसाब से गाइस बदरपुर वाला भाई अपना टोल क्रॉस कर रहे हैं, मेट्रो स्टेशन हमने क्रॉस किया सराय पीछे गया। फाइनली गाइस आ चुके हैं भाई मेन हाईवे पे, जो कि अपना हाईवे दिखा रहा है स्टे ऑन दिल्ली चेन्नई एक्सप्रेस वे। यस भाई सामने गाइस अपना है आगरा
और यहाँ से अपने किलोमीटर्स की बात करें तो दिखा रहा है भाई 118 किलोमीटर। यहाँ से भाई अपने को ना ही लेफ्ट लेना है ना ही राइट लेना है, बिल्कुल सीधे चलते आना है। देन क्रॉस करेंगे भाई अपना भाई फरीदाबाद पलवल, फिर आगे आगे भाई आ जाएगा अपना वृंदावन, बोलो राधे राधे। तो गाइस बस यहाँ से भाई 118 किलोमीटर और है, और टाइम तो भाई जल्दी कम हो ही नहीं रहा, उस समय 2.5 घंटा था, अभी भाई 2 घंटा दिखा रहा है क्योंकि हमारी स्पीड कम है। जो ये हाईवे है ना भाई अपना, अभी तो यहाँ पे 3 लेन हाईवे दिख रहा है, बट जो हाईवे का क्वालिटी है ना, मैं यहाँ पे आ रखा एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत ही प्यारा हाईवे भाई, आपको रोड पे एक खड्डा भी नहीं मिलेगा जहाँ तक मुझे पता है, पिछली बार मैं आया था ना, बहुत ही प्यारा हाईवे, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस यहाँ से अपन स्मूथली निकल जाएंगे, अपने को हिट करने गाइस अभी 119 किलोमीटर। तो चलो गाइस स्टिल लाव करते हैं, जर्नी जस्ट वाव तो चल ही रहा है, यहाँ पे वही है 60-70 के 70, तो अभी भगाया भी नहीं मैं, 60 के आसपास ही स्पीड मेंटेन करके चल रहा, क्योंकि भाई इनकी अगर फर्स्ट सर्विस होती ना एक्सेस वाले की तो गाइस फिर तो हम आराम से आते, बट अपने को अभी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अभी भाई रुके पड़ेगा इस दिल्ली चेन्नई एक्सप्रेस वे पे 5 मिनट के लिए, क्योंकि भाई लोग का भाई सिस्टम हैंग हो गया, क्या सही लग रहा है इसका भाई मीटर प्लस या डिस्प्ले के साथ ना कलरफुल का भाई मज़ा ही अलग होता है। और हाईवे को आपको एक बार चेक कराओ तो देखो भाई पूरा हाईवे ना भाई खाली है, ज़्यादा ट्रक व्रक भी नहीं है, मतलब इतना 3 लेन हाईवे ना इनफ है। देखो सामने तक का रोड आपको बिल्कुल क्लियर दिख गया, रोड कंडीशन अच्छी क्वालिटी का, मतलब ये हाईवे है जो कि पड़ रहा है अपना NH 19, हाँ नेशनल हाईवे 19 है। और मैंने यहाँ पे ब्लिंकर ऑन कर रखे ताकि जो भाई अपना एक्सेस वाला बंदा ना इसको अपने को मॉनिटर करने में ना इजी हो कि हाँ गाड़ी हमारी यहाँ गई है, डेट्स वाई कि इसको मैं हमेशा भी ऑन ही रखूँगा जब तक अंधेरा ना, काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी अपने को। लेट्स गो गाइस निकलते हैं भाई लोग, भाई आ चुके हैं और अभी थोड़ी देर में भाई सनराइज़ भी होने वाला है। यहाँ पे चेक करो भाई कितनी राइडिंग हो रही है, मतलब इतना प्यारा व्यू आ रहा भाई, मज़ा आ रहा है इस व्यू को देख के। और यहाँ पे टाइम हो चुका है 6:05, तो अभी सनराइज एग्जैक्ट हुआ नहीं है, बट जो ये वाला रेडिश भाई लाइन है ना, जो स्काई का भाई कलर दिख रहा है, मतलब पैसा वसूल बोलते हैं भाई, पैसा वसूल भी आ रहा है। देखते भाई लोग उजाला होने वाला, और टाइम की बात करें तो भाई 6:16 यहाँ पे हो चुका है, बट ये है कि भाई अभी सूर्य देवता नहीं आए पड़े, लालिमा उनकी भाई छाई पड़ी, लेकिन अभी सूर्य देवता दिखे नहीं है, बट हाँ बहुत ही अच्छी खासी विजिबिलिटी यहाँ पे चेक करो हो चुकी है, बट अभी हाँ सूर्य देवता नहीं आए, इंतज़ार कर रहे हैं उन्हीं का, और 6:30 होने से पहले मेरे हिसाब से भाई दिख जाएंगे। लेट्स सी गाइस कब तक दिखते हैं, और अभी तक हमने हिट कर दिया भाई 43 किलोमीटर, दैट्स मींस गाइस 53 किलोमीटर भाई हमने 50 किलोमीटर गाइस लगा दिए जहाँ से घर से निकले थे, अभी भी मान लो 100 किलोमीटर यहाँ से एग्जैक्ट गाइस 100 किलोमीटर बच रहा है, 99 किलोमीटर आर लेफ्ट, और टाइम बता रहा है 1 घंटा 42 मिनट अपने को अभी और लगे, तो मान लो कम से कम 2 से 3 घंटा गाइस अपने को कम से कम लगने वाले यहाँ से। तो सामने बोर्ड चेक करोगे तो भाई पलवल दिखा रहा है सिर्फ 19 किलोमीटर, मथुरा दिखा रहा है यहाँ से 104 किलोमीटर, और आगरा का डिस्टेंस दिखा रहा है 159 किलोमीटर, और इस साइड जाओ तो भाई हुड्डा भाई पास है, हीटिंग बार यहाँ पे 2 आ चुका है, सोचो गर्मी में क्या हाल होगा, बट अभी तो भाई मस्त मौसम है, चलेगी कोई दिक्कत नहीं है। तो सामने का ऐसे अपना दूसरा टोल, अभी तक का दूसरा टोल है, टोल का नाम पता नहीं, पता चलेगा तो आपको बताऊंगा। और इस साइड भाई पूरा खेती खेत है, क्या बात है, अभी हम ऐसे रोड पे आ चुके हैं ना जहाँ पे भाई हाईवे होता है और दोनों साइड सिर्फ खेती खेत होता है, देख चेक करो क्या चीज, नहीं नहीं भाई इस पर टोल नहीं कटता, यमुना एक्सप्रेस वे कटेगा इस पर, तो आराम से बस निकल जाओ खेचा मार के साइड से, बस यहाँ से अपना कोई टोल नहीं भाई, बाइक होने का तो गाइस यही फायदा भाई, टोल नहीं देना पड़ता, बाकी तो भाई कार वाले तो हर जगह टोल देते ही है। जो गाइस फील था ना यहाँ पे, जो फील था भाई कि खाली रोड भाई खेत ऐसा भाई स्काई वो हवा भाई फेस को जब टच करती ना भाई, इसकी गाइस बहुत ज़्यादा नीड थी, आप लोग भी बोले तो भाई काफ़ी दिन हो गए थे, महीने महीने, तो चलो भाई फाइनली गाइस हम निकल चुके भाई और मज़ा आ रहा है भाई हमें राइड करने में। तो अभी मैं आपको चेक कराता हूँ भाई, सूर्य देवता आ चुके और टाइम हो रहा भाई 6:59, मान लो 7 बज चुके हैं, और ये चेक करो भाई बहुत ही भाई प्यारे लग रहे हैं, मतलब जो हमने सनराइज देखा ना भाई इतना खूबसूरत था, देख के मज़ा आया। और यहाँ से वृंदावन का डिस्टेंस की बात करें तो भाई वृंदावन बज चुका अपना
67 किलोमीटर टाइम की बात करें तो एक घंटा दिखा रहा हूँ स्टॉप चले तो। अभी तक भाई एक भी यहाँ पे रेस्ट नहीं लिया, ब्रेक भी नहीं लिया, तो हमें अभी रुकना यहाँ पे भाई चाय वाय के लिए रुकेंगे। 77.6 किलोमीटर, तो ये मान लो भाई 80 प्लस किलोमीटर हमने चला दिया, 10 किलोमीटर इसमें प्लस मान के चलो तो 88 किलोमीटर 90 किलोमीटर होने वाला, अभी तक हमने ब्रेक नहीं लिया। तो एक छोटा सा भाई चाय ब्रेक लेंगे, कोई अच्छा सा ढाबा देखेंगे वहाँ पे रुकेंगे ना, तो कुछ खा भी लेंगे और चाय भी पी लेंगे। देन गाइज उसके बाद भाई सीधा वृंदावन गाइज हम पहुंच जाएंगे। अभी तो भाई अपने को एक छोटा सा ब्रेक गाइज बनता है। यहाँ पे भाई ढाबे तो है गुलशन ढाबा, तो हाँ इधर ही रोकते हैं बाइकर्स है, तो गाइज यहीं पे रोकते हैं भाई गुलशन ढाबा पे। तो फाइनली गाइज भाई 81 किलोमीटर राइड करने के बाद, और यहाँ पे 10 किलोमीटर ऐड करोगे तो 91 किलोमीटर राइड करने के बाद अपना पहला ब्रेक है। और भाई राइड करें गाइज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई, और एक नंबर भाई अपने को यहाँ पे सनराइज़ देखने को मिले, तो चाय वाय पीते हैं। देन यहाँ से भाई खाने के बाद गए सीधा एक ही बार लगा देंगे भाई अपना वृंदावन। यहाँ पे आ चुका भाई अपना आलू प्याज पराठा, और मंगाई है भाई यहाँ पे कुल्लड़ चाय और पराठा। भाई अभी हमने टेस्ट किया भाई, काफ़ी ज़्यादा भाई टेस्टी है यहाँ का पराठा। यहाँ पे हमारा खाना पीना हो चुका, काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट हो गया, और जो पराठा था और भाई चाय था उनकी क्वालिटी और टेस्ट भाई काफ़ी ठीक लगा हमें। अब निकलते गाइज यहाँ से और देखते भाई कितना किलोमीटर बच चुका है, और बेताल का जो अपना हीटिंग वीटिंग का सब कुछ ओके हो गया, क्योंकि मॉर्निंग में भाई उतनी तो हीट नहीं हो रही थी, कम से कम एक घंटा मान लो और जैसा आता है भाई डेढ़ घंटा अपने को लगेगा लगेगा। बट भाई अब क्या है ना कि अब सर्दी जो हल्का हल्का ठंड था वो भी नहीं लगेगा, क्योंकि भाई अच्छा खासा गाइस धूप आ चुका, देखो पूरा भाई मौसम बिल्कुल क्लियर हो गया भाई। चलो लेट्स मूव, ट्रक को पहले जान दो। चलो भाई वंस अगेन गाइस उतर चुके भाई बेताल को लेके हाईवे पे। अब का टारगेट है कि भाई बिना रुके अपने गाइस हिट करना है ये 63 किलोमीटर, या फिर जितना भी दिखाऊंगा रिफ्रेश होगा, बिना रुके अब लगाना गाइस अपने को वृंदावन। बोलो राधे राधे। चलो एक और गुलशन ढाबा, क्या बात है, पीछे एक और गुलशन था, ये भी एक और गुलशन है ना, गुलशन नंबर, अच्छा गाइस ये भी गुलशन ढाबा, आगे भी गुलशन ढाबा है। इसका चार्जिंग पॉइंट दे रखा है इन्होंने यार डिग्गी में दे रखा, आप सोचो गोप्रो की बैटरी 20-30% बची पड़ी गोप्रो की बैटरी। और फोन की बात करूँ गाइस, फोन आपको बता दूँ यहाँ पे 30% गाइस फ़ोन की बैटरी बची हुई है, तो अभी क्या करना पड़ेगा यार चार्ज लगाने के लिए, मुझे कोई भी डिवाइस को अपने सीधा डिग्गी में लगा के सीधा रखना पड़ेगा। अभी ऑन टाइम अगर मान लो यहाँ पे अगर इन्होंने यहाँ पे दे रखा होता कहीं भी स्लॉट, तो मैं सीधा यहाँ से आराम से इसको कनेक्ट कर लेता, बट अभी क्या है कि एंटो का भाई सीधा ये लोग डिग्गी में देते तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, या तो मुझे एडिशनल लगवाना पड़ेगा जब भाई कोई काम बनेगा, क्योंकि अगर डिग्गी में रखेंगे तो भाई वो वन टाइम में भाई यूज़ नहीं हो पाएगा, सीधा उसको मुझे चार्ज ही करना पड़ेगा, या तो फ़ोन या तो गोप्रो। अब गोप्रो से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, फ़ोन रखूँगा तो फ़ोन में लगा रखा मैप, वैसे तो बिल्कुल सीधा सीधा है, तो चलो ट्राई करूँगा, और कोई ऑप्शन तो है नहीं, पावर बैंक मेरे पास नहीं, वरना मैं कर लेता वहीं पे, तो मुझे फ़ोन को रखना पड़ेगा डिग्गी में चार्ज लगा के, देन ही चार्ज हो पाएगा। डिस्टेंस की बात करें तो गाइज 44 मिनट दिखा रहा हूँ, 44 किलोमीटर, वाह क्या सीन है, मतलब एक मिनट में गाइज क्या हम 1 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, बड़ा स्लो है यार। चलो कोई नहीं गाइस 44 मिनट दिखा रहा, मतलब एक घंटे के अंदर गाइस लगा देंगे, वही है अनुमान 9 बजे तक भाई हम होंगे वृंदावन में। बाकी देखते हैं भाई, अगर स्पीड बढ़ाएंगे जल्दी पहुंच जाएंगे, वरना स्लो करेंगे तो भाई नॉर्मल, बट ट्राई करेंगे गाइस एटलीस्ट भाई 9 बजे तक तो वृंदावन पहुँच ही जाए, ताकि हम अच्छे से और ज़्यादा भाई एक्सप्लोर यहाँ पे कर पाए। और आगरा दिखा रहा था भाई 105 किलोमीटर यहाँ से आगरा अभी भी है। अभी गाइस आप लोगों को मस्जिद दिखाता हूँ भाई, ये सिर्फ मेरे को वृंदावन जाते वक्त मिलता है, देखो यहाँ पे रोड है और साथ साथ भाई अपनी चल रही है रेल की पटरियाँ, अगर यहाँ पे ट्रेन आ जाए भाई तो भाई मज़ा आ जाएगा राइड पे, बोलते ना 4 चांद लगने जैसा, वैसे ही मज़ा आ जाएगा, रेस लगा लेंगे भाई ट्रेन से। तो ये मैंने अभी तक भाई सिर्फ अपने इस वाले राइड पे देखा था, अभी मैं वृंदावन आता हूँ एक बार पहले भी आया था, तो मुझे ये वाला देख भाई मज़ा आता कि एक साइड रोड चल रही है और एक साइड चल रहा है ट्रेन, और सोचो अगले साइड हो वो एरोप्लेन, मज़ा आ जाए, फिर उसके अगले साइड हो पानी वाला बोट, तो भाई साहब ज़िंदगी के मज़े तो भाई ऐसे ही आते हैं। अभी सिर्फ बच चुका भाई 20 किलोमीटर और दिखा रहा 22 मिनट, तो भाई पहुँचने वाले गाइस, मतलब भाई एग्जैक्ट भाई 9 बजे के आसपास में भाई हम लगा देंगे वृंदावन में अपनी गाड़ी, तो देखते हैं भाई कितनी जल्दी पहुँचते हैं। 20 किलोमीटर गाइस काफ़ी कम होता है और 22 मिनट दिखा रहा है, तो लेट्स सी गाइस भाई 9 से पहले पहुँच जाए तो मज़ा आएगा, क्योंकि अपने को भाई मिलेगा ज़्यादा टाइम एक्सप्लोर करते हुए। और इस NH 19 की बात करें, हाँ नेशनल हाईवे 19 नंबर था ये वाला रोड, भाई इतना बढ़िया इतना बढ़िया, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई रोड काफ़ी अच्छा है, इस रोड से आओगे तो भाई आपको एक भी गड्ढा नहीं मिलेगा, प्लस बाइकर्स के लिए गाइस कोई भी भाई टू व्हीलर के लिए 1 रुपये भी टोल नहीं लगता, तो ये अच्छी बात है कि आपका टोल भी नहीं लगेगा
रोड की क्वालिटी और रोड का कंडीशन गाइस बहुत ही बढ़िया है, तो इस वाले रोड को आप प्रेफर कर सकते हो। इसका नाम है गाइस दिल्ली चेन्नई एक्सप्रेसवे या फिर चेन्नई दिल्ली एक्सप्रेसवे आप बोल सकते हो, हाईवे नंबर 19। बहुत ही बढ़िया है। वृंदावन यहाँ से बचा ओनली 5 किलोमीटर। अपने को यहाँ से लेना है वृंदावन के लिए भाई लेफ्ट की साइड, और मथुरा यहाँ से 11 किलोमीटर और स्ट्रेट है। तो यहाँ से लेफ्ट की साइड थोड़ा सर्विस लेने आता जहाँ तक मुझे याद है, यहाँ से अपन चले जाएंगे एंड बिल्कुल लेफ्ट में जाके गाइस पहुंच जाएंगे भाई। इतने कम स्पीड के साथ भाई इतने अच्छे तरीके से आ गए, और हमने बीच में एक ब्रेक भी लिया था जिसके अंदर भाई चाय पराठे खाए, तो बहुत ही अच्छी स्पीड से आए हैं। और रोड ने भाई बहुत ही अच्छा खाली था, इसलिए अपने को आने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। तो बस यहाँ से गाइज अब थोड़ा थोड़ा अपने को ट्रैफिक मिलेगा, क्योंकि भाई हम पहुँचने वाले गाइज वृंदावन, जस्ट 4 किलोमीटर और है। ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, तो फाइनली गाइज मेरो वृंदावन, ये चेक करो गाइस फाइनली भाई हम पहुंच चुके हैं वृंदावन में। आपका स्वागत है, राधे राधे। क्या बोलते हो गाइस, क्या बोलते हो भाई, 9 बजे से पहले भाई हमने लगा दिया भाई वृंदावन में अपनी गाड़ी। दैट्स ग्रेट मैन, मज़ा आ गया भाई। अपनी टाइम के मुताबिक भाई हमने जो सोचा था गाइस ओह करके दिखाया भाई बेताल के साथ, बिना किसी एक भी दिक्कत के, वो भी पिलियन के साथ भाई, बहुत ही प्यार से आए हैं। ये चेक करो भाई बेताल वहाँ पे एक्सेस, और गाइस जीरा मेरो वृंदावन भाई बहुत ही बढ़िया। और टाइम सिर्फ हो रहा है भाई, दिखा दूँ आप लोगों को। अब तो मैप गाइस हटा देते हैं, टाइम सिर्फ हुआ देखो 8:48, तो गाइस काफ़ी कम टाइम हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से आया भाई, टाइम पे आ गया ना भाई, टाइम पे बिल्कुल। जबकि हम इतने आराम आराम से आ रहे हैं, लंच का ब्रेक भी लिया हमने ब्रेकफास्ट, बट भाई फाइन गाइस ये गेट देख के ना भाई मज़ा आता है। मेरा वृंदावन बहुत पहले की मेरी याद है यार, मैं यहाँ पे आया था ना पूरे ग्रुप के साथ आया था, इस बार अपनी ग्रुप नहीं आ पाई क्योंकि उनका कोई और लॉन्ग राइड का प्लान बन रहा है, बट भाई सबको मिस कर रहे हैं। और राधे राधे भाई पहुँच चुके सेफली, हम एंटर कर चुके भाई वृंदावन के गेट से आगे की तरफ, और जा रहे भाई प्रेम मंदिर होते हुए आगे जाके स्टे। सबसे पहले अपने को ट्राई करना है कि भाई हम अभी जाएंगे होटल ढूंढने के, होटल ढूंढ के ना एक बार आराम से स्कूटी पार्क कर देंगे, देन सारी जगह एक्सप्लोर करेंगे जितने भी मंदिर है जहाँ जहाँ हमें पता है। और सबसे प्लस पॉइंट है कि भाई अपने साथ ना भाई हिमांशु भाई है जो कि यहाँ पे एक्सेस में देख रहे हो भाई, पूरा पूरा अपना मान लो हमारा गाइड है, इसको अच्छे से पता है, बहुत बार आ चुका है, तो ये अच्छे से सारी चीज़ें अपने को एक्सप्लोर करवा देगा। इस राइड पे गाइस हम वृंदावन वाले राइड पे अपने साथ एक गाइड लेकर आया जिसको भाई सारा चीज़ नॉलेज है, यहाँ का कहाँ पे रुकना है कैसे करना है सारी टाइमिंग तक पता है यहाँ की। तो ये वाला व्लॉग गाइस काफ़ी ख़तरनाक होने वाला है, पूरी सीरीज़ ख़तरनाक होने वाली है, सारी चीज़ आपको एक्सप्लोर करवाऊँगा। तो अभी पहला टारगेट अपने को लेना अपने लिए होटल, और वहाँ पे जाएंगे भाई स्टे करेंगे और गाड़ी वाड़ी खड़ी करके फिर गाइज वहाँ से एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो श्री बाके बिहारी जी मंदिर है सामने, प्रेम मंदिर भी सामने है, तो बिल्कुल सीधा चलना है बाके बिहारी जी टेम्पल। तो गाइज पिछली बार भी हम आया था एक्सप्लोर किया, तो भाई बहुत ही सुंदर मंदिर है गाइज, और इतना रश था ना पूछो मत। और जिस टाइम अभी हम आए ये है गाइज होली का टाइम, सोचो भाई कितना ज़्यादा भीड़ होगा, भीड़ भी होगा और मज़ा भी आएगा। तो जैसा भी होगा भाई आपको मैं एक्सप्लोर करवाऊंगा, बस आप लोग जुड़े रहो। मॉर्निंग का टाइम उतना भीड़ नहीं है, लेकिन जैसे भाई बाके बिहारी जी का टेंपल आएगा उसके आसपास तो काफ़ी ज़्यादा रश होता है, और शाम को असली मज़ा आता है भाई यहाँ पे लाइटिंग और दर्शन का, देखो ना बहुत ही प्यारा व्यू आता है यहाँ पे। नहीं नहीं इसलिए होटल ही लेना, पार्किंग गाइस गाड़ी वाड़ी नहीं लगाना, क्योंकि मुझे पता था कि पार्किंग का समस्या होगा ही होगा, इससे बढ़िया होटल ले लो वहाँ पर आराम से पार्किंग करो, देन आप एक्सप्लोर करने जाओ। तो यहाँ से गाइस मेन एंट्री है बाके बिहारी जी का टेंपल का, यहाँ से एंट्री है देख मेन। हाँ सीधा ही चल रहे हैं, तो भाई जहाँ से एंट्री होती है ना गाइस वहाँ पर भीड़ तो आपको देखने को मिलेगा।